तो गाइस मैं अभी अपने खेत में आया था और खेत की ओर आते से एक आसपास के खेतों में मुझे ये क्या दिखाई पड़ रहा है, ये कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या है। तो ये खाद वगैरह तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी है, गोबर खाद है नहीं। दूसरी बात की और कुछ सीमेंटेड जैसा लग रहा है, क्या मालूम क्या है। तो ये पूरा डाला है, ऐसा लग रहा है कि लिक्विड छोड़े यहाँ पर। ऐसा भी है, देखो ये होती है नीम की लकड़ी और इससे मंजन करना चाहिए सब लोग, है ना दातून। अगर इससे नहीं किए तो समझ लो कि भाई दांत आपके कच्चे ही होने वाले हैं। जो टूथपेस्ट से कितना भी करो नहीं होता है, हम भी मतलब करते हैं उससे, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत बीच बीच में इससे भी करते हैं, और रेगुलर उससे अगर करेंगे तो कोई मायना नहीं है उसका, इससे भी करना होता है। ये एक सबसे बेस्ट है, पूरा का पूरा पेड़ इसका काम का आता है। देखना आप इसकी हिस्ट्री अगर मोबाइल में सर्च करके देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा इसका क्या क्या फायदे है, क्या क्या नुकसान। तो कोई भी नहीं है इसके लकड़ी के, बहुत ही ज़्यादा हार्ड कड़वा वैसे एक रास्ता जो इधर से जाता है, वो जो गाड़ी जा रही है ना डाउन में उतर कर, वो आज डैम तरफ जा रही है ना। और एक रास्ता ये भी जाता है हमारे खेत की ओर, ये वाला रास्ता हमारे लिए बेस्ट रहेगा। हमारे खेत के रास्ते ऐसे ही मतलब होते हैं उबड़ खाबड़, फिर से ये रास्ता जाता है, लेकिन हम चलेंगे इस रास्ते से। फुल देसी व्यू लगेगा आज आपको, फुल फुल देसी व्यू, पेड़ पौधे। यार मधुमक्खी नहीं मिल रही है ना, तो मधुमक्खी को हम छोड़ेंगे ना, हमको मधुमक्खी निकालने में बहुत मजा आता है। देखेंगे और कभी इस सीजन में, मतलब देखना पड़ेगा कि बहुत हो चुका है कि भाई हमने अभी तक मधुमक्खी नहीं खाए, और हमको जाना है इस रास्ते से। हम इसी रास्ते से जाएंगे, बांध के किनारे से जाता है ये रास्ता। बांध आपको देखना हो तो कमेंट करना, शायद बाइक आ रहा हो और पीछे से कोई बंदे का। हम यहाँ से चल के देखते हैं, ये खेत पूरा अभी खाद वाद डाले है यहाँ पे देखो, और यहाँ से ट्रैक्टर वगैरह जाते रहे होंगे इस कारण से कैसा हो गया। अरे यार क्या डल दिया यहाँ पर, पूरा उबड़ खाबड़ हो रहा है। तो गाइज मैं अभी अपने खेत में आया था और खेत की ओर आते से एक आसपास के खेतों में मुझे ये क्या दिखाई पड़ रहा है, ये कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या है। तो ये खाद वगैरह तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी है, गोबर खाद है नहीं। दूसरी बात की और कुछ सीमेंटेड जैसा लग रहा है, क्या मालूम क्या है। तो ये पूरा डाला है, ऐसा लग रहा है कि लिक्विड छोड़े यहाँ पर। यहाँ पर अगर ट्यूबवेल भी किया होता है तो इतना ज़्यादा मतलब लिक्विड नहीं छूट पाता था। ये देख सकते हैं, इसमें खड़े होने पर ऐसा लग रहा है कि गद्दी सा कुछ महसूस हो रहा है। प्लास्टिक के लेयर्स भी मिल रहे हैं इसमें, ऐसा लग रहा है कि कोई आसपास की कंपनियों का मटेरियल जो होता है पाउडर, वो कुछ डाला लग रहा है। चलिए आगे में भी दिखाते हैं आपको, पूरा खेत जो है इसी से भरा पड़ा दिखाई पड़ रहा है, पूरी बर्फबारी हो चुकी है। ये देखो कैसे लग रहा है, ये मतलब कोई लिक्विड ही डाला है यहाँ पर, लिक्विड डाला होगा तभी तो ये मतलब इस टाइप से पूरा स्लिप हो गया है। अब इससे चल के देखते हैं, ये पूरा गद्दी गद्दी सा हो रहा है, पैर धंस रहे इसमें। ये देख सकते हैं, ये पैर रखते से अंदर की ओर जा रहा है, ये पूरा पैर अंदर घुस जा रहा है। हमें कमेंट करके जरूर से बताना, हमको तो इसका नॉलेज नहीं कि आखिर क्या डाला होगा यार खेत में,
और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ना कोई लिक्विड ही होगा, हमारे आसपास एक दो कंपनियां हैं जिनका मटेरियल इधर ही आता है, तो मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि उन्होंने ये खेत ले लिया होगा, और वो खेतों का जो यूज़ उस मटेरियल को डालने के लिए कर रहे होंगे, ऐसा ही कुछ लग रहा है। क्योंकि तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है यार, वेस्टेजेस दिख रहा है यहाँ पर, कि इतनी मात्रा डाल दी है पूरा लेयर ऊपर आ गया है जगह फट है। देखें, चलिए इस व्यू को हम इग्नोर करते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा खेत है, तो उधर ही जाते हैं अभी, और इसको करते हैं इग्नोर। यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वो खेत से होती हुए हम इधर की ओर आ गए, और यह छाव लग रही है नीम के पेड़ की, क्या सुकून से लगती है, बढ़िया जी वाला नीम का पेड़ है। और ये जो वो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये पूरा मतलब उस साइड में जो है ना बहुत बड़ा बांध है, मतलब ज्यादा भी बड़ा नहीं, लगभग हो सकता है 4-5 एकड़ के आसपास है ना, मतलब 2-3 हेक्टेयर, अगर जिसको एकड़ में नहीं समझता हूँ, हेक्टेयर समझ लीजिए, हेक्टेयर में होता है, तो ऐसा कुछ सीन है। तो और इस साइड में जो है हमारा खेत है आगे में, यही रास्ता जाता है सीधा, तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों मैं एक समय की बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो है बहुत बड़ा, बहुत पुराना, मतलब हो सकता है 200 साल भी पुराना हो सकता है वो पेड़, जो इमली का पेड़ था, जो अभी क्या होगा कि हमारे बंटवारे में मतलब पापा वगैरह के ऐसे, तो उसमें ये तोड़ा गया उनके द्वारा, ठीक है, पापा के द्वारा नहीं, जो जिनके भी बंटवारे में आया था, तो बड़े पापा वगैरह के इसमें आया था, तो ये यहाँ से जो इमली का पेड़ हटा दिया। और एक चीज़ बताएंगे आगे में क्या सीन हुआ था, मतलब हम और महुआ वगैरह बीनने आते थे, ठीक है, महुआ के पेड़ भी यहाँ से 2-3 गायब दिखाई पड़ रहे हैं हमको। चलिए कोई ना, ये सब पेड़ जो बहुत ही पुराने होते हैं और बुजुर्गों के ज़माने से होते हैं, और बहुत पुरानी यादों को यादगार के रूप में रखते हैं, बस तो पेड़ को तो हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि फल वाले पेड़ होते हैं जो पक्षियों को बहुत काम आते हैं, और जो जीव जंतु घूमते हैं अपने नेचर में, तो उन लोगों के लिए भी बेस्ट होते हैं, तो फल वाले पेड़ को तो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। वैसे तो सभी पेड़ अपने काम के लिए हैं, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट होते हैं कि इस भरी गर्मी में उन पेड़ों को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत गलत बात भी है। तो चलिए आगे का और क्या सीन है दिखाते हैं आपको, मतलब ये सब कुछ। तो गाइज, ये जो हमारे पीछे में एक जो पेड़ दिखाई पड़ रहा है, यही है महुआ का पेड़, जहाँ पर हम मॉर्निंग में सुबह 4 बजे आकर यहाँ पर पूरा महुआ बीनते थे, लेकिन इसको सुखा दिया है ना, ये कुछ सीन है, मैं अपने कैमरे में कैद करके रखना चाहता हूँ, और उस टाइम के भी कुछ फोटोज वगैरह हो सकती है हमारे पास, या तो नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो यादगार पल आज भी हमको याद है, और वो बहुत अच्छे दिन थे, ठीक है। अभी सब चेंजेस होते आ रहा है, लेकिन अब इस चेंजेस वाले माहौल को मैं अपने कैमरे में कैद करके रखना चाहूँगा, क्योंकि ये यादगार पल कभी नहीं आएंगे। ऐसे हमारे गांव के कुछ पेड़ थे, जो बरगद वगैरह के पेड़ थे, जो पूरे रोड बनाने के कंडीशन में क्या हुआ कि पूरे तोड़ डाले, तो बहुत गलत होता है, मतलब वो यादगार पेड़ थे, और भी गांव की एक शान थी, सभी लोग हमारे गांव को उसी नाम से जानते थे, और हो सकता है कि हमारे गांव का नाम मोरडोंगरी भी इसलिए पड़ा होगा क्योंकि हमारा एरिया जो है कि जंगलों का एरिया है, और यहाँ पर मतलब फुल जंगल था। ये जो आसपास दिखाई पड़ रहा है आपको, कम है जंगल तो मतलब बहुत कम हो चुका है, लेकिन उस समय की बात है, मतलब 100 साल पहले, मतलब बहुत ही ज़्यादा जंगल हुआ करता था, बोलते हैं मतलब इस एरिया में आने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का मतलब सामना करना पड़ता था, जैसे बहुत जंगली जीव जंतु यहाँ पर घूमते थे, उस कंडीशन में मतलब बहुत नहीं आते थे। अब यहाँ पर मुझे आम भी नहीं दिखाई पड़ रहे, हो सकता है कि किसी ने झोड़ कर ले गया होंगे। चलिए आम के पेड़ के पास चलते, पहले पेड़ देख सकते, यही है महुआ का पेड़ है ना, जो अभी फला फूला है, इसमें फल भी आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पर फल, आपको नज़दीक से दिखाना चाहेंगे, इसको टोरी वाले बोलते हैं, टोरी। तो इस वाले पेड़ में ज़्यादा महुआ तो नहीं आता है। चलिए अब पैदल चलते हैं, अपने साइकिल यही रहने देते, उसमें पानी बॉटल वगैरह लाए थे हमने, क्योंकि धुपकाले का टाइम है, और क्या सीन होने वाला है कि
प्यास वगैरह बहुत जल्दी लग जाएंगी, और मुझे तो आम भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिस चीज़ के लिए आए थे वही नहीं है। देखो हमको खाना खाने के साथ साथ आम की भी ज़रूरत होती है, खट्टा मीठा रहा था। और देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा देव, जो देव की पूजा करते हैं यहाँ पर, खेत में जब भी आते कोई भी तो थोड़ा बहुत वहाँ पर पूजा पाठ कर लेते, जो रक्षा के एक क्या बोलते हैं उसको, जो भी है आप समझ जाइए, तो वो एक पॉइंट है कि मतलब रखते हैं हमारे एरिया से। ये देखो आम के पेड़ के पास आया लेकिन आम ही नहीं, तो ये क्या सीन हो रहा है, मतलब सब उजड़ते जा रहा है यहाँ पर। ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि भाई कोई, आई डोंट बिलीव दिस, ये क्या हो रहा है। एक आम मिला लेकिन, ये देखिए पक्षियों ने गिराया होगा, चलो वही शुक्र कि एक तो आम मिला कम से कम, और पेड़ में तो आम दिखाई नहीं पड़ रहे, पूरा पेड़ छान बा छान ले रहा मैं, नहीं मिल रहा। इसके बाद जो हमारे खेत में ये आपको दिखाई पड़ेंगे, संतरा पेड़ वगैरह लगाए, अभी कुआं वगैरह से पानी के लिए करेंगे यहाँ पे कुछ जुगाड़। बहुत संतरा पेड़ मतलब वेस्ट हो चुके हैं, देखिए पानी नहीं होने के कारण संतरा पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जगह जगह पे, तो ऐसा कुछ सीन है। ये देखिए पेड़ लगाए, इसमें भी पानी की बहुत आवश्यकता है, और जो आम मिला है इसको ऐसे खाएंगे, लेकिन सबसे पहले पानी पी के खाएंगे, क्योंकि पानी बाद में पियेंगे तो खट्टे मीठे इसमें क्या होता है कि सर्दी वगैरह हो जाती है। तो चलिए आगे दिखा, तो गाइस ये है हमारे खेत का कुआं, जिसमें पानी अभी बहुत ही ठीक ठाक है, ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर कुआं है, मतलब पानी तो है। क्या कि पूरे एरियाज में अगर देखने जाएंगे ना तो पानी तो है ही नहीं, यहाँ पर एकमात्र कुआं यही है जिसमें पानी है, और जो हमने बड़ी मेहनत से यहाँ पर खोदा है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, और इसमें कोई ज़्यादा मजदूर नहीं लगे, हमने घर के घर में कम से कम खोद दिया होगा इसको 20 हाथ के ज़्यादा, है ना, इतना ज़्यादा मतलब खोद दिया है कि भाई यहाँ पर पानी के लिए तो सुविधा हो जाए। इसको और भी खोदेंगे और यहाँ पर पानी की फुल व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आसपास पशु पक्षी साथ में जो भी लोग आसपास यहाँ काम करते उनके लिए पानी का स्रोत केवल यही है, और ये हमने अभी अपने बड़े मेहनत से खोदा है, और एक खेत में पूरे संतरा पेड़ भी लगाए। ये संतरा पेड़ को भी पालना होगा, आसपास के लोगों को भी, साथ में यहाँ के जीव जंतुओं को भी, तो ये हमारा एक जिम्मा हो गया है, पेशा हो गया है, तो इसको हम पूरा करेंगे, ठीक है ना, मतलब क्या है किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हमको तो मिलना नहीं रहा कुछ यहाँ पे, क्योंकि बात है कि धूप काले में एक तो आम पूरे खाकर फेंक दिए जो पशु पक्षियों ने, इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम अब चलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि मिला है हमको एक ठूला आम, और एक आम से कुछ नहीं होने वाला, इस तरह मैं ही खत्म करूंगा। चलिए इस वीडियो को करते यहीं पे क्लोज, मिलते हैं एक नए अपडेट और नई लोकेशन नई जानकारी के साथ, तक के लिए दोस्तों बाय।